व्हाट्स अप गाइस, ओनली शेयर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TCS का ऑफर लेटर कैसे आता है। तो मूड बड़ा ही ख़राब है और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं वीडियो नहीं बना सकता था, बोलने के काबिल नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज नहीं बनाता हूँ, लेकिन कल ही मैंने कमेंट में रिप्लाई कर दिया था उसके कि कल ये पक्की वीडियो आ जाएगी। तो हो सकता है वो होप करके बैठा हो। मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने SEL वाले वीडियो पे कमेंट किया था कि मेरे को ऐसी एक TCS जैसी वीडियो चाहिए TCS के लिए। तो मैंने कहा था कि हाँ कल पक्की अपलोड होगी, लेकिन सिचुएशन कभी भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं पड़ गया था कि ये वीडियो नहीं बन सकती थी, लेकिन बस उस प्रॉमिस के लिए कि वो चला ना जाए, वो गुस्सा ना हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरा धीमा बोलूँगा, थोड़ा आप मैनेज कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो वीडियो किस से रिलेटेड थी, HCL वाली। तो वो वीडियो रिलेटेड थी कि HCL में ऑफर लेटर कब तक आता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो TCS के लिए सेम टू सेम ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरा एक प्रोसेस होता है ड्राइव से लेकर के आपके ऑफर लेटर तक, उस पूरे प्रोसेस को मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले होता है कि आप नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जब लॉग इन करते हो, अप्लाई फॉर ड्राइव करते हो, उसके बाद आपके एक प्रॉक्टर्ड एग्जाम होती है। प्रॉक्टर्ड एग्जाम होती है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, जिसमें वहाँ के कोई प्रॉक्टर जो होते हैं वो प्रॉक्टरिंग करते हैं आपके एग्जाम की, मतलब देखते हैं ऑनलाइन कि आप अच्छे से एग्जाम दे रहे हो या नहीं। तो उसको हम ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम कहते हैं, राइट। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप डिजिटल के लिए जाते हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आप निंजा के लिए जाते हो। मतलब अच्छे मार्क्स आना इन द सेंस कि आप निंजा टॉपर्स टेस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल होते हो। ये क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है निंजा टॉपर्स टेस्ट क्या होता है, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख लेना। तो जैसे ही आप निंजा टॉपर्स टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हो तो आप डिजिटल वाली कैटेगरी में चले जाते हो। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते निंजा टॉपर्स टेस्ट के लिए, अगर आप फिर भी इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो, तो आपको निंजा के लिए एक इंटरव्यू होती है, राइट। अब वो इंटरव्यू पास करने के बाद आपको निंजा का ऑफर लेटर का वेट करना होता है, और ये निंजा टॉपर्स टेस्ट करने के बाद आपको फिर से एक इंटरव्यू होता है डिजिटल कैंडिडेट के लिए, और वो डिजिटल कैंडिडेट के बाद आप उसके ऑफर लेटर के लिए वेट करते हो। तो ये फ्लो रहने वाला है, आप दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर खड़े हो। एक निंजा का कैंडिडेट अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर खड़ा है, एक डिजिटल का कैंडिडेट अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर खड़ा है। अब वहाँ से वो दोनों ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हैं। अब ऑफर लेटर कैसे आएगा, तो यार ऑफर लेटर TCS कभी भी मेल आईडी में नहीं भेजती। मेक श्योर ये बात आप अपने कान में जैसे कहें वैसे रख लें, निंजा या डिजिटल का कोई भी ऑफर लेटर TCS कभी भी मेल में नहीं भेजती, फ्रेशर्स का, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मेरे साथ हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आवाज़ थोड़ी सी धीमी हो सकती है, आई एम लिटिल बिट सैड टुडे, बट बिलीव मी दिस वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। आवाज़ थोड़ी धीमी हो सकती है बिकॉज बहुत ज़्यादा सैड हूँ मैं वीडियो बनाने का मूड में नहीं था, बस इस पार्टिकुलर सब्सक्राइबर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो प्लीज़ यार फॉलो लाइक ये सब जितनी भी चीज़ें वो बताना ना पड़े ये कर लो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता हूँ। तो अब ये दोनों लोग यहाँ पे खड़े हैं, राइट। अब TCS क्या करती है कि अगर आप क्वालिफाइड होते हो तो आपको एक मेल आता है, अगर आप नहीं क्वालिफाइड होते हो तो दोनों को सेम मेल आता है कि वी आर सॉरी, वी रिग्रेट दैट आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, आप कभी और अप्लाई करिए, राइट। तो TCS हमेशा ये रिग्रेट वाली मेल जरूर भेजती है, तो इस बात के लिए आप गांठ बांध के रख लें कि आपको वेट करना है कि कब तक वो मेल आता है, अनक्वालिफाइड का या क्वालिफाइड का। अब यार जब भी आपको क्वालिफाइड वाली मेल आती है तो मेल में कभी ऑफर लेटर नहीं आता, उसमें ऐसा लिखा होता है कि आप अपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे लॉग इन करके वो ऑफर लेटर डाउनलोड करके वहां से एक्सेप्ट कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मेल में ऑफर लेटर क्यों नहीं भेजते जैसे बाकी कंपनियां भेजती हैं। तो TCS और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काफ़ी जानी जाती है, इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो इसकी मेन जो चेन की जो कहते हैं ना, एक पूरी कंपनी एक चेन मान ले, तो सिक्योरिटी जो होती है इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट चेन होती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी के लिए काफ़ी जानी जाती है, कोई भी ऑफर लेटर अगर वो मेल में भेज दे डायरेक्ट, मान लो मैंने किसी 100 लोगों को मेल में ऑफर लेटर डाल दिया, आपको पता है 1-1.5 लाख एक बार में लोगों को हायर किया जाता है, तो हो सकता है किसी भी बंदे का गलत मेल आईडी अगर टाइप हो गया गलती से भी, तो वो ऑफर लेटर किसी और के पास चला जाएगा, जो कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी बन जाएगी, राइट। वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सही नहीं है कि आपका ऑफर लेटर किसी और के पास चला जाए और वो बंदा सेलेक्ट हो जाए, राइट, या वो बंदे उस ऑफर लेटर का गलत यूज कर ले, राइट। सो दैट इज़ वाई TCS कभी मेल आईडी में ऑफर लेटर नहीं भेजते। आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर लॉगिन करना होता है, और आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर सिर्फ आप ही लॉगिन कर सकते हो, कोई और लॉगिन नहीं कर सकता। वहाँ से आपको जाके ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना होता है, आपके लोकेशन वगैरह चूज करना पड़ता है। तो दैट इज़ द टोटल फ्लो, ऐसा होने वाला है। मैं ये वीडियो काफ़ी मतलब अंदर से मतलब समझ लो ये वीडियो बनने लायक नहीं था आज का दिन, कुछ भी करने लायक नहीं था आज का दिन, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज फॉर दैट सब्सक्राइबर, मैंने प्रॉमिस किया था, एंड आई स्टे ऑन माई प्रॉमिस ऑलवेज। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल वीडियो, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मेक श्योर कि आप मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़े रहें। लिंक्डइन पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मोस्टली इंस्टाग्राम या आप टेलीग्राम पे मेरे से क्वेश्चन करो तो उसका जल्दी मैं आंसर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नॉट टॉपिक के साथ, तब तक लेट्स हैव अ गुड डे, बाय।